सर। हाँ बोलो रणवीर। सर आपने वो पिक्चर्स देखी जो मैंने आपको भेजी थी? हाँ देखी थी, उसकी शक्ल तो बिल्कुल मरिया जैसा ही है, बस बाल चाल और ढंग बदल दो और बन गई मरिया। सर मुझे नहीं लगता हमें उससे अच्छा और कोई रास्ता मिलेगा। महेंद्र को हम इतने सालों से पकड़ नहीं पाए, ओनली बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी गॉडडैम प्रूफ अगेंस्ट हिम। हमेशा बचाता है सर। पर रणवीर तुम समझ रहे हो कि तुम क्या मांग रहे हो? हम एक मामूली लड़की की जिंदगी हमेशा एक एक के लिए हमेशा बदलने वाली है, उसकी जान अब हमारे हाथ में है। कैसी है वो लड़की? सर लड़की का नाम ईशा है, अपनी बहन और जीजाजी के साथ रहती है, उधर कॉलेज फाइनल ईयर, लेकिन मार्क्स काफी गंदे हैं। रणवीर मुझे ये सब से कुछ लेना देना नहीं है, बस ये बताओ कि ईशा हमारा काम कर सकती है कि नहीं। श्योर सर, ये लड़की हमारा काम जरूर कर सकती है, काफी चालाक है, अपनी बहन का पुलिस इंस्पेक्टर होने का काफी हद तक फायदा उठाती है। लेकिन सर एक प्रॉब्लम है, हम कैसे उसके साथ इस केस के बारे में डिस्कशन करें, आई मीन कैसे उसे समझाएं कि उसे किसी और के साथ प्यार का झूठा नाटक करना होगा। रणवीर तुम एक काम करो, उसे महेंद्र का प्रोफाइल दिखाओ, उसे ये दिखाओ कि क्यों महेंद्र प्रताप ये देश का सबसे बड़ा गुंडा है। श्योर सर वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे बस एक ही बात का डर है, हमसे अगर एक छोटी सी भी गलती हो जाए तो बेचारी नादान लड़की अपनी जान से हाथों बैठेगी सर, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। रणवीर तुमने मुझे 5 साल पहले महेंद्र को पकड़ने का वादा किया था, नाउ दिस इज योर चांस, पर अगर वो लड़की मर गई तो समझो हमारी एजेंसी खत्म हो जाएगी। आई एम काउंटिंग ऑन। श्योर सर, मैं आपको और इस देश को किसी भी हालत में निराश नहीं करूंगा, दैट्स माय प्रॉमिस। थैंक यू सर।